हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। DSSB ने जो है जेल वार्डन के जो है जून महीने के सभी एग्ज़ाम के जो है एडमिट कार्ड हों जारी कर दिए गए हैं। ये मैंने DSSB की ओर से वेबसाइट ओपन कर ली है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे अपना एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है। जिसने भी DSSB में जेल वार्डन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है या जितने भी जून महीने में एग्ज़ाम होने वाले हैं DSSB के, सभी का जो एग्ज़ाम का लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। कंप्लीट मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, आप वीडियो अंत तक जरूर देखते रहें। सबसे पहले मैंने आपको अपडेट दी है और मैं जो आपको एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करने का लिंक आपको देख सकते हैं। यहाँ पर जो है जून महीने के जो एडमिट कार्ड हैं वो आ चुके हैं। यहाँ पर एक लिंक दिया है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। ओके पर आपको क्लिक करना है। कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अपना एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर देखिए, आपको जो है अपना एप्लीकेशन नंबर, जैसे कि इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी थी कि कैसे अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना है, और यही लिंक था आपका। और यहाँ पर आपको पासवर्ड जो है अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपना पासवर्ड है वो डाल देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये जो कैप्चा शो हो रहा है यहाँ पर डाल के आपको लॉगिन करना है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ ये कैंडिडेट का। देखिए, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो पहले आपको जो है अपना यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड आपको दिखा देगा, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। उसके बाद आप न्यू पासवर्ड आपको बनाना है। न्यू पासवर्ड को आप दोबारा से कन्फर्म करेंगे, ये कंपलसरी है। पहले आपको ये कन्फर्म करना होगा, उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा फिलअप करना है और चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करना है आपको। जैसे चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पासवर्ड हो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पासवर्ड आपका जो है जितने भी आपने DSSB के फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं सभी में ये जो है आपका चलेगा। और वही पासवर्ड आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर रहेगा और आपको जो आपने पासवर्ड बनाया वो यहाँ पर डालना है। और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिलअप करके आपको दोबारा से लॉगिन करना है। देखिए, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन जो मेरा एडमिट कार्ड है वो अभी नहीं आया है, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है अभी नहीं होने वाला है, इसलिए मेरा एडमिट कार्ड यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन जो है DSSB की ओर से मेरे पास मैसेज भी आ चुका है, लिंक में मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन मेरा यहाँ पर एडमिट कार्ड वो नहीं दिखा रहा, अभी मैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये मैसेज है जो DSSB ने अभी अभी जो है मेरे पास सेंड किया। देखिए, 6 मिनट पहले यहाँ पर जो है मेरे पास ये मैसेज आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं DSSB की ओर से। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक भी दिया गया है। इस पर आप क्लिक करके आप जो है डायरेक्ट इसे आप कंटिन्यू करके आप जो है वहाँ पर जा सकते हैं और डायरेक्ट जो आपकी यहाँ पर लॉगिन आप हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप जो अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड 100% आ चुके हैं, ऐसे ही आपको निकालना है। कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।